आई रिमेंबर हम जब फ्री स्टाइल करते थे और अबव द दैबिट के दिन पे मैं हमेशा प्रैक्टिस उस करता था क्योंकि मैं किसी को बोला था कि ब्रो एक दिन आएगा कि एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर होगा और वो मेरे को बोलेगा भाई ये ले बीट और लिख और मेरा दिमाग खाली नहीं होना चाहिए उस वक्त सो दैट वॉज दी ओनली आइडिया दैट तभी खाली नहीं हुआ एंड आई वॉज वेरी लाइक ग्रेटफुल दैट दैट वॉज द डे वेर आई वॉज ऑन माई पीक सो आई एम ग्लैड हाई माई नेम इज यू आर वॉचिंग इन कलाइफर मेरा एक गाना है आत्मा करके उसका एक वो है सही सलामती ये बातें ना कहावती ये मुश्किलें तो द्रौपदी की साड़ी होती ना खत्म क्यों मतलब अगर तुम सही और सलामत हो ना इसके बारे में लोगों को कुछ कविता कविता जैसी बातें नहीं लगती उनको नहीं लगती कि ये बातें इंटरेस्टिंग है उनको लगती है कि ठीक है यार बंदा ठीक है तो सब ठीक चल रहा है बट सबसे डिफिकल्ट पार्ट वही है लाइफ में वही अचीव करना पर ये मुश्किलें भी द्रौपदी की साड़ी की तरह है जो खत्म ही नहीं होती तुम जितना भी कोशिश कर लो कभी खत्म ही नहीं होगी नई मुश्किलें आएंगी तुम्हारे सामने एज अ राइटर एज रैपर एज हिप हॉप आर्टिस्ट हु लव्स राइटिंग लाइक वो रैप का जो पोइट्री एस्पेक्ट है वो है कि हम लाइक वी टेक अप दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम हमारी कहानियाँ गानों में बोले एंड इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन आवर शोल्डर टू इट इन द बेस्ट पॉसिबल वे क्योंकि लाइक इट्स सो कूल बींग अ रैपर दैट ऐसी इतने सारी सिचुएशन है तुम्हारे लाइफ में जो तुम शायद खुद एक्सप्लेन नहीं कर पाओ और हम वो सिचुएशन को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए और इसलिए यू ऑल ग्रेविटेट टूवर्ड्स द म्यूजिक एंड यू ऑल ग्रेविटेट टूवर्स द राइटिंग सो इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू राइट दैट सिचुएशन और दैट सर्कमस्टेंस इन द बेस्ट पॉसिबल वे जिम्मेदारी हम कहानी के व्यापारी चाहे होंगे जे व्यभारी जब हलाते हैं मदारी फिर क्यों जे भर भरी भी हो गई ना जब तुम ये म्यूजिक कर रहे हो या कोई भी चीजों की वजह से वो सब इतना टेम्पोरिरी है ना इस इस फील्ड में इस इंडस्ट्री में कि आज तुम्हारे पास बहुत पैसे होंगे और अगर आज तुमने बचाई नहीं तुमने अपनी अपना फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं रखा तो सब तुमसे निकल लाइक एवरी कैन बी टेकन अवे फ्रॉम यू और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम बंदर हो भाई और मदारी तुम्हारी हालातें हैं वो डिटरमाइन करेंगी एंड आई थिंक मेरा सबसे बड़ा लर्निंग लेसन यही साल का था कि कुछ तुम्हारे कंट्रोल में है ही नहीं तुम जितनी सिचुएशन को माइक्रो मैनेज करने की कोशिश कर लो अपनी अपनी जर्नी को एकदम कार करने की कोशिश कर लो कुछ नहीं हो पाएगा बिकॉज देर आर सम थिंग्स दैट वर नेवर इन योर कंट्रोल सो माइट एज वेल जस्ट डू योर पार्ट प्ले योर पार्ट एंड लेट द वर्ल्ड अराउंड इट टेक इट शेप बेचुआ आत्मा मैं खोने के बस डर में रहता आए दिन वो जब दिल पेना लगे जो कहता क्या जब भी गाड़ी होगी बड़ी और गले में होंगी चेने तुम कहोगे साला बीटों पे वैसे नहीं बहता अनफॉर्चुनेट एक रियालिटी है कि तुम्हें ना अपने सबसे फेवरेट अंडर आर्टिस्ट सिर्फ तब तक पसंद है जब तक वो अंडर रहे मतलब वो जैसे फट जाते हैं ना तुमको एक डिस्कनेक्ट आ जाता है दिमाग में कि यार यार वो पहले जैसे नहीं लिख रहा यार यार वो ब्रोक था ना जब भी जब उसके पास पैसे ही नहीं थे ना तब वो सबसे बह सबसे लिखता था मैं चाहता हूं कि इस जर्नी में जो भी लोग मेरे साथ डे वन से रहे वो मेरे साथ एंडिंग तक जुड़े रहे मतलब वो एक एक्सपेक्टेशन भी नहीं है वो एक रिक्वेस्ट है कि तब तक मत पसंद करो जब तक आदमी स्ट्रगल कर रहा है तब तक करो जब तुम उसके साथ सक्सेसफुल हो सको यू आर ग्रोइंग विद आर्टिस्ट एंड हिज जर्नी एंड वो एक पर्सनल हो जाता है यू नो जैसे हम हम भी अपने फेवरेट आर्टिस्ट सुनते हैं एंड वी सी विनिंग इट्स लाइक फक यार ये मेरी विक्ट्री है बिकॉज दे स्टैंड फॉर समथिंग एंड दैट्स वॉट इट इज अबाउट क्या मुझे बदलने का मौका दोगे क्या मुझे संभलने का मौका दोगे प्यार मेरा लौटा दोगे गलती की माफी नहीं मांगता बस तुम रहना साथ ताकि तुम समझो कलाकार भी है इंसान इट्स सो ईजी कि तुम किसी को इंटरनेट के थ्रू या टीवी पे या कहीं देख लेते हो एंड यू आर लाइक अच्छा यार ये तो इसका सही सभी शॉर्ट चल रहा है ये तो बड़े घर से आता है ये तो ऐसा है ये तो वैसा है इतने प्री कंसीव्ड नोशन होते हैं अबाउट एन आर्टिस्ट बट वी टेंट टू फरगेट दैट इट्स अ ह्यूमन बींग लाइक जब तुम शोज़ पर भी आते हो और इतने लोगों के शोज़ पे ऐसे दंगे हो जाते हैं बट वो समझ नहीं पाते कि वो ऑपोजिट आदमी क्या फील कर रहा है ही इज एज ह्यूमन एज यू आर ही इज़ जस्ट ह्यूमन विद अ माइक्रोफोन विद अबिलिटी ऑफ म्यूजिक एंड आई फील लाइक दैट शुड इंट डिस एनी अदर एस्पेक्ट ऑफ इट सो जस्ट वो ये कि तुम साथ में रहो और तुम भी समझो कि आर्टिस्ट भी गलतियां करते हैं ये कैंसिल कल्चर इतना रैम्पेंट है दैट एनी मिस्टेक एनी फंबल फ्रॉम योर साइड ऑन अ हायर प्लेटफॉर्म इज लाइक तुम आदमी की पूरी मतलब लाइफ की मेहनत को पानी फेर देते हो उस पर दो मिनट में और वही बात है कि तुम क्यों नहीं समझ रहे हो कि वो इंसान है अगर डेलिब्रेटली नहीं हुई है अगर कुछ गलती हो गई है मिसप हो गया है तो अंडरस्टैंड एम्पथाइज एंड रियलाइज दैट ये इंसान की सालों की मेहनत तुम एक ट्वीट या एक इंसिडेंट की वजह से खत्म नहीं कर सकते हो एंड दैट्स दैट्स दैट एंटायर आइडियोलॉजी और एक छोटी बात बोलना चाहूँगा बिफोर दिस सॉन्ग दर इज द सॉन्ग कल दत्मा आत्मा लूड दैट सॉन्ग इज रियली रियली क्लोज टू मी बिकॉज इट्स नॉट अ सॉन्ग इसेंशली एक पंडित की आवाज आती है पूरी ईपी में वो पंडित एक्चुअली जो तेरवा होता है हमारे घर पे। मेरे ग्रैंड फादर ही पास्ट वे लास्ट ईयर ऑन द थर्टींथ डे द पंडित हेट कम होम एंड मैं इतना नम फील कर रहा था आई कुडेंट लाइक आई ही तो मैंने बहुत एक रिकॉर्ड बटन चालू कर दिया कि जो भी ये बात कर रहे हैं मुझे सुननी है क्योंकि इतने सारे लाइक like, वो बोलते हैं ना कि आत्मा की शांति हो गई आत्मा आत्मा मुक्त हो गई बट मेरे को लगता है कि हमको शांति मिलती है वो हमारे क्लोजर के लिए होता है थर्टींथ डे जितना आत्मा के लिए नहीं होता वो हमारे लिए होता है वो इंटरलूड ये ट्रैक के पहले आना वो जस्ट दैट मैं विस्पर्स में बात करता हूँ और एक पंडित की आवाज आती है उसमें एक बैक एंड फोर्थ सॉर्ट ऑफ थिंग है जहाँ पे वो उस बात को क्लोजर दे रहे हैं कि कैसे हम जहाँ से बने हैं लाइक वी आर मेड फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ हम उसमें ही वापस चले जाते हैं आफ्टर वी पास अवे इन वन वे और अनदर मैं विस्पर्स में वो बात कर रहा हूँ वेयर आई एम टॉकिंग अबाउट माई फियर्स फ्रॉम चाइल्डहुड लाइक मेरे को पता है कि मैं जब छोटा था मैं बीच नींद में उठ जाता था क्योंकि मुझे बहुत सीवियर एंगजाइटी अटैक्स आते थे अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ लाइक आई आई डोंट नो कितने लोग ये बात से रिलेट कर पाएंगे बट मैं बहुत डरता हूँ कि आज जो हम ये लाइफ जी रहे हैं वो एक पॉइंट पे खत्म होने वाली है और ये मुझे बहुत पहले हिट हो गया था जो बहुत शायद गलत चीज़ थी लाइक like, चैन की नींद मेरी छीन चुकी थी वो पार्ट तो मेरे को बस वो इंटरल्यूड ऐसे रखना था कि मैं मेरे डर मेरे मौत के फियर के बारे में बात कर रहा हूँ और वहाँ पंडित जी वही कॉन्सेप्ट को इतने आराम से क्लोजर दे रहे हैं एंड देन दिस सॉन्ग किस एंड आई फील लाइक आई हैव आस्ट और मेड अ बेटर सॉन्ग टू एंड माई ई पी इन दिस वे

हैविंग सम सॉर्ट ऑफ प्रिवलेज इन माई लाइफ मैं बड़े घर का लड़का नहीं हूँ बट इट वॉज ऑलवेज दैट मेरे पास कोई एक नैरेटिव नहीं है चिपकने के लिए लाइफ में आई डो नॉट हैव अ कम्प्लीट रैक्स टू रिच ए स्टोरी बिकॉज आई एम स्टार्टिंग ऑफ बट माई प्रॉब्लम्स एंड माई कॉन्सेप्ट आर मच मोर विविड दैन दैट एंड आई डोंट वॉन्ट टू स्टिक टू वन स्टोरी नैरेटिव आई वॉन्ट to be that person that understands emotional intelligence that understands the multiple struggles that you have to go through being in a middle class family and trying to up the game from that point onwards so i feel like that was my thing that mere paas koi ek cheez mujhe tum repeat karte hue nahi sunoge like, बार बार ये मेरी एक कहानी है मेरी एक कहानी है मेरे पास बहुत सारी कहानियाँ हैं और मैं सब वो सारी चीज़ें बोलने आया हूँ And तकिया कलाम द EP was essentially like द ओनली थिंग दैट रिपीट्स इन दैट ई पी इज़ माई कोर वैल्यूज जैसे मेरी नादानी है मेरे लोग हैं मेरी आत्मा है मैं एक मुसाफिर करके ट्रैक है जैसे आई डोंट आइडेंटिफाई विथ वन प्लेस एंड दैट समथिंग दट वॉज ऑलवेज आई वॉज फाइंडिंग माई सेल्फ ऑलवेज कमिंग अराउंड दैट प्लेस कि मुझे घर भी ना है एक पॉइंट के बाद लाइक घर तो है ही बट मैं कोई भी जगह को घर बना सकता हूँ वो मेरे में एबिलिटी रहती है सो दीज आ फ्यू क्वालिटीज दैट रिपीट इन मी एंड वॉज द आइडिया बिहाइंड ई पी दैट आई माई इट नॉट है

लिखा स्टूडियो गया मतलब स्टूडियो में ही थे रिकॉर्ड किया आउट नेक्स्ट बीट यू लाइक दिस यू लाइक दिस डन नेक्स्ट वाला एंड दैट्स हाउ इट प्रोग्रेस सो आई फकिंग लव दैट एनर्जी आई एम लाइक जब एक एल्बम आएगी आई डोंट इट टू बी येट अनदर एल्बम दैट जस्ट कम्स एंड गोज सीमेंटिंग माई एबिलिटी टू मेक प्रोजेक्ट्स आई लव मेकिंग प्रोजेक्ट्स बट द पाथ आई हैव इज इज कंसिस्टेंटली पुटिंग आउट सिंगल्स दैट जस्ट टू बिल्ड एन ऑडियंस सो दैट जब तुम्हारी सारी कहानियां बाहर आए वहां सुनने के लिए लोग हों और तुम्हारे रिसोर्सेज उतरे हो दैट्स वाई एम नॉट लाइक रशिंग इन टू एन एल्बम मेरे को जो फीचर चाहिए जो प्रोड्यूसर चाहिए जो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट चाहिए वो सब होने चाहिए इसलिए मैं रुका हूँ एक एल्बम के लिए कल ही हम लोग उद्भवर करुण के गिग पे थे तो वहां मैंने शॉर्ट आउट दिया था पहले वेदांग को बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट गाय टू सेंड मी अ बीट पैक वेन आई हैड इट अप लाइक फोर्टी फिफ्टी प्रोड्यूसर्स एंड नो बडी रिस्पॉन्डेड एंड ही वॉज द फर्स्ट गाय टू बी लाइक ये बीट लेते को जो करना है कर इस पर गाने लिख सो यूट्यूब के बीट से हट के पहली बार कोई प्रोड्यूसर ने मुझे लाइक बीट भेजी थी तो शर्ट ऑट टू वेदां डी जे ब्लंट एक्चुअली फ्रॉम आज़ादी रेकेड्स इज़ वन ऑफ द फर्स्ट पीपल दैट रिकॉर्डेड मी एंड टॉट मी हाउ टू रिकॉर्ड ऑन अ माइक जब हम साइफर वाइफर करते थे तब वो टेक्निकल नॉलेज ही नहीं थी कि कैसे करते हैं एंड वी वेंट टू हिज हाउस टू रिकॉर्ड लाइक अर एंड उसने मेरे को बताया कि डिस्टेंस कैसे होता है माइक में ये सेटअप क्या है एंड वी यूज टू गो ऑल द वे टू लाइक कांदिवली और वहाँ पर रिकॉर्ड करते थे एंड ऑब्वियसली सो मैनी पीपल लाइक ड्रॉप्ट आउट मान एन आयुष्मान हु इज़ नाउ माई मैनेजर फॉर साइनिंग मी बैक वन आई हैड लाइक जस्ट टू और थ्री लाइक डेमोज एंड सामने से आया ही सो माई वर्क थ्रू लाइक इंस्टाग्राम फ्री फ्री वर्सेज एंड स्टफ लाइक दैट एंड इज लाइक ग्रो वॉट यू वर्किंग ऑन एंड वी वॉन्ट साइन यू एंड देट इज़ सुपर अनरियल क्योंकि तभी कुछ आइडिया ही नहीं था कि मैनेजमेंट क्या होता है लाइक इट वॉज ऑलवेज लाइक ओ फ मुझे लूटने तो नहीं आ रही है मुझे यू you नो know, चीट तो नहीं करने आ रही है मेरे गाने तो नहीं छीन लेंगे तो वैसा सो लॉर्ड ऑफ फकिंग होज हीज इन द सेन दैट हैव रियली हेल्प मी ऑंकोर आई रिमेंबर ओंकोर बॉम्बे फ्रॉम बॉम्बे मी जस्ट वॉचिंग हिम

कि तुम जान जानते हो इंसान को या तुम्हें गाना पसंद आया नहीं आया लाइक like, इतने सारे ऑब्सक्योर साउंड्स आ रहे हैं इतने सारे नए साउंडस्केप्स आ रहे हैं इतने नैरेटिव आ रहे हैं एंड इसके पीछे का कॉन्टेक्ट जानोगे देन यू विल फॉल मोर इन लव विद हिप हॉप एवरी सिंगल डे सो यू ऑल आर द गाइज दैट आर एक्चुअली प्रोपोगेटिंग दैट सो बिग अप्स टू यू ऑल एंड आई होप द ऑडियंस जस्ट यू नो रिसीव दैट विद ग्रेस